हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं आप सभी के लेके आऊँ डिटेल वीडियो ऑफ हेयर स्पा। मैं आप लोग को बताऊंगी पार्लर में हेयर स्पा कैसे करते इन डिटेल। इतनी अच्छे से मैंने आप लोगों को शायद ही कभी बताया होगा। सबसे पहले आप बिफोर देख सकते हो हेयर की क्वालिटी। तो इनके हेयर में आप देख सकते हो स्ट्रेटनिंग हुआ हुआ था एक साल पहले, सो इस वजह से हाफ लेंथ आपको कर्ली लग रहा होगा एंड हाफ स्ट्रेट लग रहा होगा। बिफोर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा पिक्चर जब भी क्लाइंट का हेयर स्पा करते हो, अगर आपको रखना है तो। नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। आज मैं स्कार्सकॉफ की स्पा एसेंस स्पा क्रीम यूज़ कर रही हूँ एंड बाउल में शैम्पू अलग से निकाल रही हूँ। कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू आप ले सकते हो। सो मैं स्कार्सकॉफ के प्रोडक्ट ना जल्दी कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं ये वाला स्पा एक बार ट्राई करती हूँ, आपसे भी रिव्यू शेयर करूँगी। लॉरियल का वीडियो तो ऑलरेडी बहुत सारा मैंने शेयर किया, तो मैंने सोचा कुछ न्यू शेयर करती हूँ। तो ये 500 ml है, इसकी प्राइस है 650 rupees। इसमें आपको कंसंट्रेट अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐड है एंड ये थोड़ा सा पतला भी है। जैसे कि स्पा लॉरियल का आपने देखा होगा वो थोड़ा मोटा रहता है, तो हमें कंसंट्रेट ऐड करना होता है। सो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्स का सीरम इसमें ऐड कर रही हूँ एंड अच्छे से हम मिक्स करके उसको रख देंगे। अब यहाँ पे शैम्पू हो रहा है तो कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू ले लीजिएगा, लॉरियल की या वेला की, एंड अच्छे से आपको शैम्पू करना है। मेक श्योर आप ओनली शैम्पू करोगे, क्यूटिकल्स क्लोज हो जाएंगे अगर आप कंडीशनर यूज़ करोगे, तो हमें क्यूटिकल्स को ओपन ही रखना है एंड देन हम स्पा करेंगे। स्पा करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो शैम्पू करने के बाद टॉवल ड्राई कर लेना एंड टैंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लेना है। इस तरह से देख सकते हो आप। आपको क्या करना है, 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड करना है। एज यू कैन सी टैंगल्स को पहले रिमूव कर लीजिएगा एंड देन अच्छे से आप इस तरह से सेक्शन क्लिप को लगा दीजिएगा। मोटी वाली सेक्शन क्लिप यूज कीजिएगा, ज्यादा सही रहता है। एंड आपको 4 पोर्शन में हेयर को डिवाइड करना है। तो अगर आप स्पा करना अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आप स्मूदनिंग सीख जाओगे, बोटॉक्स सीख जाओगे, फिर केराटिन सीख जाओगे, क्योंकि सबसे बेसिक हमारा यही होता है पार्लर में। सो आपको ये जरूर आना चाहिए। तो अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पोर्शन में हेयर डिवाइड हो रहा है एंड सेक्शन क्लिप यहाँ लगाया जाएगा। सो आप सबसे पहले हम इस पोर्शन में क्रीम लगाने स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको बोलूंगी कि 2% की मदद से आप लगाओगे तो फटाफट लगेगा। अगर आप सिंगल भी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इस तरह से आपको एक पतला पतला सेक्शन निकालना है। आपको इतना पतला सेक्शन लेना है कि आपकी हथेली दिखाई दे। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड क्रीम को अच्छे से ब्लेंड कर लेना, इमल्सीफाई कर लेना एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रश की मदद से एंड देन आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से क्रीम को आपको रूट से 1 इंच छोड़ के अप्लाई करना होता है। इस तरह से डॉट डॉट बना के 3 पोर्शन में क्रीम को अप्लाई कर लीजिए, यानी कि हाफ लेंथ तक ही क्रीम को अप्लाई करना है एंड इस तरह से इमल्सीफाई करना है। इसे हम बोलते हैं इमल्सीफिकेशन। इमल्सीफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी क्रीम को हेयर में लगाए ना, उसको अच्छे से स्प्रेड करके फैलाना है। एज यू कैन सी यहाँ पे कितने अच्छे से क्रीम अप्लाई किया जा रहा है। इस क्रीम को बहुत लोग स्कैल्प पे भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्कैल्प पे टच भी हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपको कॉम करना है इस तरह से एंड क्या करना है, कॉम की पीछे वाली पॉइंट से नीट करके रखना है। कॉम करने से क्या होता है, आपका क्रीम हर एक हेयर में अच्छे से इमल्सीफाई होके स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने टॉवेल को रिमूव कर दिया। आप ओनली कटिंग सीट भी क्लाइंट को वेयर करवा दोगे ना, उसके बाद भी आप क्रीम को अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से एज यू कैन सी आपको अच्छे से इस तरह से डॉट डॉट बना के क्रीम को लगाना है एंड आपको क्या करना, अच्छे से इमल्सीफाई करना है। सो मैं भी स्कार्सकॉफ का प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो मैं आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। मैं लॉरियल ही पार्लर में यूज करती हूँ, बट मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको ये लेना चाहिए स्पा क्रीम या नहीं लेना चाहिए। सो एज यू कैन सी क्रीम अगर आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो। इस तरह से स्प्रेड करना है फिंगर की मदद से एंड इमल्सीफाई। तो ये अगर आप सीख लोगे ना, तो आप स्मूदनिंग करना सीख जाओगे, क्योंकि बहुत से लोगों का ना स्मूदनिंग फेल हो जाता है या रिबॉन्डिंग। तो पहले इसमें हाथ फ्रेश करो एंड देन आप आगे का प्रोसेस करोगे, जैसे कि भारी भारी ट्रीटमेंट हो गया, स्मूदनिंग, केराटिन। तो अगर कोई मदद कर रहा है आपका, जैसे कि कोई आपको सेक्शन निकाल के दे रहा है इस तरह से, तो और इजी रहता है एंड पतला पतला सेक्शन आपको निकालना है। तो आज मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है, एकदम बिगनर्स जो होंगे ना, जो फर्स्ट टाइम स्पा देख रहे होंगे किस तरह से स्पा करना चाहिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक पोर्शन आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
सो इसी तरह से आपको इंटायर हेयर में क्रीम को लगाना है। आप कोशिश कीजिएगा 10-15 मिनट के अंदर इंटायर हेयर में लगा दो, एंड देन इसको रखेंगे हम 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, एंड देन हम करते हैं मसाज एंड देन स्टीमिंग। इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी ही, पहले आप ये सब देख लो मैं किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सो इसी तरह से इंटायर हेयर में होगा। आपको कुछ भी नहीं समझ आए इस वीडियो से तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं रीड करूंगी एंड आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। बट ये वीडियो आई थिंक बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह से आपको देख रहे हो आप कितने अच्छे से यहाँ पे सेक्शन निकल रहा है, देखो इस तरह से एकदम नीट सेक्शन निकलना चाहिए, पतला पतला कॉम कीजिए एंड देन आपको क्या करना है इस तरह से ब्रश में क्रीम को लेना एंड अप्लाई करना है। सो अच्छे से देखो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, तो इसी तरह से आप इंटायर हेयर के देख लीजिएगा किस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है। एक तरफ का हमारा अप्लाई हो चुका है, अब एक बार आपको हेयर चाहे तो आप पूरा कॉम कर सकते हो, इस तरह से नीट करके रख सकते हो। दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरह से इस पाक्रीम को अप्लाई करना है, तो इस तरह से सेक्शन निकालना है आप लोगों को। पतली वाली कॉम परचेज जरूर कर लीजिएगा एंड एक इस तरह की कॉम जरूर परचेज कर लीजिएगा, ये दोनों कॉम बहुत काम आएगा स्पा करने के लिए या फिर स्मूदिंग करने के लिए। हम पहुंच गए लास्ट पोर्शन में, तो इस तरफ आपको ईयर टू ईयर में भी जैसे हमने पीछे में लगाया था वैसे ही लगा के रखेंगे, तो उस तरफ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे एंड इसको रखना है आपको 25 मिनट के लिए, 25 से 30 मिनट आप रख सकते हो या 20 मिनट भी रख सकते हो। एंड देन हम करेंगे हेड मसाज, यानी कि अच्छे से स्पा जो हमने लगाया उसको मसाज करेंगे एंड देन हम स्टीमिंग देंगे, तो आगे का प्रोसेस आप देखोगे ही। एज यू कैन सी 20-25 मिनट हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है स्प्रे बॉटल लेना है एंड क्लीन वाटर इसमें आपको डाल देना है स्प्रे बॉटल में, यानी कि फ्रेश होना चाहिए आपका वाटर एंड देन आपको इस तरह से स्प्रे करना है। देखो होता क्या है, अब हम मसाज करेंगे तो हेयर पूरा का पूरा ड्राई हो चुका है, तो ड्राई हेयर में अगर आप मसाज करोगे इससे क्या होगा, रूट और ज्यादा कमजोर हो जाएगी एंड आपका हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ेगा। स्पा हम क्यों करवाते हैं, हमारे हेयर फॉल दूर हो, हमारे हेयर शाइनी हो, मैनेजेबल लगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करे, अगर हमारा हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हेयर ग्रोथ हो, हेयर फॉल रुके, तो उसके लिए आपको क्या करना है मसाज अच्छे से करना है ताकि एकदम डीप पेनिट्रेट करे स्कैल्प के अंदर एंड आपको भी रिलैक्स फील हो। स्पा कराने से क्या एक फायदा होता है कि बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। स्पा का दूसरा नेम रिलैक्सेशन भी कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्लाइंट को रिलैक्स फील होता है। एज यू कैन नो कि हम जब स्कैल्प का हल्का से मसाज करते ऑयल से तो हमें रिलैक्स फील होता है, तो हमारे बॉडी को भी ये काम करता है, तो आपको एकदम अच्छे से मसाज अब करना है, तो अच्छे से इस तरह से बैठ कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, इसको बोला जाता है सर्कुलर, सर्कुलर मोशन में इस तरह से क्लॉकवाइज, देखो इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये हैंड का डायरेक्शन मेरा, देखो ऐसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो ये हमारा बेसिक सा स्टेप्स होगा, ध्यान से देखिए किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले बेसिक से स्टेप्स को कर लेने हैं आप लोगों को, इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज स्टेप। नेक्स्ट आपको इस तरह से सीजरिंग करना है, ये वाला स्टेप ना हम फेस पे भी करते हो है, अगर आप मेरी फेशियल वाली वीडियो को ज्यादा चेक करोगे तो आपने देखा होगा, इसे हम पिंचिंग बोलते हैं, टैपिंग, ये बेसिक से स्टेप्स होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। सारे स्टेप्स को हमें रिपीट करने होते हैं। इस तरह से आपको फोरहेड के पास मसाज करना है, इससे क्लाइंट को भी रिलैक्स फील होगा। सर्कुलर इस तरह से प्रेशर देना है आप लोगों को, ईयर के पीछे प्रेशर,
ईयर के पास प्रेशर, शोल्डर पे प्रेशर, इस तरह से आपको नेप एरिया के पास प्रेशर देना है। इस तरह से नॉट वाला स्टेप करना है। इस तरह से आपको फिंगर में क्रॉस कर लेना है हेयर को, एंड देन आपको हल्का हल्का प्रेशर देना है। ये सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने इंटायर हेयर में। शोल्डर के पास प्रेशर देना है हल्का हल्का, एज यू कैन सी। इससे बॉडी को भी रिलैक्स फील होता है। इस तरह से आपको वाइब्रेशन देना है इंटायर हेयर में। इस तरह से क्रीज क्रॉस करना है। आप थंब फिंगर की मदद से भी कर सकते हो एंड सेकेंड फिंगर की मदद से भी कर सकते हो, या फिर आप दो फिंगर या तीन फिंगर की मदद से भी कर सकते हो। इस तरह से आप चाहे तो स्कैल्प पे भी प्रेशर दे सकते हो, एज यू कैन सी स्कैल्प प्रेशर। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है जिससे आपका हेयर फॉल रुकेगा। देखो मसाज स्टेप जो होता है ना, अभी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बट आपको कम से कम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए करना है। मैक्सिमम 20 मिनट, 15 मिनट भी आप कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, डिपेंड करता है क्लाइंट के पास कितना टाइम है एंड आप कैसा उनको रिजल्ट दे रहे हो या फिर आप कैसा सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो 10 से 20 मिनट के बीच में आपको करना है, इस तरह से वाइब्रेशन देना है। तो इंटायर स्टेप जो मैंने आपको दिखाया ना, वो सबको रिपीट करना है आपको, एंड कम से कम देखिए 10 मिनट तो देना ही देना है, अदरवाइज क्लाइंट को भी रिलैक्स फील नहीं होगा। सो ये सब आपको जरूर करना है, एंड जितने भी स्टेप मैं दिखा रही हूँ रिपीट करते जाना है आप लोगों को। इस तरह से लास्ट में आपको सारे स्टेप्स को क्लोज करने, यानी पोर्स को क्लोज करने हैं। इसे हम बोलते हैं ओजोन स्टीमर।
ठीक है, तो इस वाले को अगर आप ऑन करोगे तो इससे आप देख सकते हो होल आपको दिख रहा होगा, तो इससे कम क्लाइंट को थोड़ा स्टीम लगेगा। अगर क्लाइंट को ज्यादा लग रहा है ना तो आप खोल दो के। तो यहाँ से हम वाटर इसमें डालते हैं एंड यहाँ से इसके टेम्परेचर सेटिंग आपको करनी है, 5 मिनट रखना है, 2 मिनट रखना है, 3 मिनट रखना है। एंड इस होल के अंदर से हम वाटर देते हैं एंड यहाँ पे वाटर बॉयल होता है। एज यू कैन सी ये स्टीमर चालू है एंड आपको धुआं दिख रहा होगा, तो स्टीमर ना ऑन हो चुका है, गर्म भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट को अपने स्टीम देंगे। स्टीम आपको कैसे देना है, गर्मी के मौसम में 4 मिनट काफी, ठंड में आप 7 मिनट दे सकते हो। तो इस तरह से आपको स्टीमर को देखो, इस तरह से आपको देना होता है। स्टीम 3 मिनट के लिए ही दिया गया था। आप देख सकते हो मैंने आज आप लोगों को बहुत ही डिटेल में वीडियो दिखाया है। स्टीम हो चुका है तो स्टीम आपको ज्यादा नहीं देना है, 5 मिनट काफी या 4 मिनट या 3 मिनट, ठीक है, या 3-4 मिनट ही दिया गया था। आप ठंडा कर देना है हेयर को एंड देन प्लेन वाटर से वॉश करना है, प्लेन वाटर से करना है, कंडीशनर एंड शैम्पू यूज नहीं करना है। तो चलिए हम वॉश करके आपको दिखाते हैं। हेयर वॉश हो चुका है तो हेयर वॉश आपको प्लेन वाटर से करना था, नॉर्मल वाटर यूज करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम आप ठंडा पानी यूज़ करते हो गर्म पानी, तो आप ना ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ कर सकते हो। सीरम यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ये एज ए हीट प्रोटेक्टर भी काम करेगा। यहाँ पे मैं ड्रायर दिखा रही हूँ, मैं आइकॉनिक का ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ एंड हम अच्छे से अब क्या करेंगे, ब्लो ड्रायर, पहले ठंडा हवा दीजिएगा देन आप गर्म हवा दे सकते हो। एंड इसके बाद आप राउंड ब्रश की मदद से या पैरेलल ब्रश की मदद से स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर दोगे एंड हियर इज़ अ फाइनल लुक। सो टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये प्रोडक्ट या नहीं करूँ, देखो लॉरियल बेस्ट है मैं आपको बोलूँगी या मैट्रिक्स बेस्ट है, मुझे ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू लॉरियल। बट हाँ, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने ये वाला प्रोडक्ट कभी ट्राई किया है तो आपको कैसा रिजल्ट लगा, लॉरियल आपको ज़्यादा अच्छा लगा कि ये, मुझे लॉरियल ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसी प्रोसेस से आप लॉरियल का भी सेम कर सकते हो। ऑलरेडी मेरे ना मोस्ट पॉपुलर वीडियो में जाके आप देखोगे ना तो आपको लॉरियल के बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो चेक कर लीजिएगा। सेम इसी प्रोसेस होगा, बस ये प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाएगा। बाय द वे अच्छा ही प्रोडक्ट था, मैं पूरा नो नहीं बोलूँगी। फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हो, स्पार्क लगवाने से हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी लगते हैं, वॉल्यूमिनस लगते हैं, शाइन आ जाता है एंड हेयर फॉल भी नहीं होता है। मेरी वीडियोस को देख के आप ट्राई जरूर कीजिएगा, मैंने एकदम डिटेल में आप लोगों को समझाया है। आज मैंने वॉइस ओवर कम किया एंड जैसे मैं रियल में समझाती हूँ वैसे मैंने समझाया। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, श्रुति मन्नत मेकओवर इंस्टाग्राम का नेम है। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी।